हेलो दोस्तों, है ना बहुत क्रिस्पी। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल और आप सभी का स्वागत है आरसी फूड केंद्र में। तो चलिए दोस्तों, पकोड़े की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, 4 मीडियम साइज के प्याज ले लिया है मैंने और इसे पतले पतले और लंबे लंबे शेप में काट लेंगे इस तरीके से। मीडियम साइज की कटोरी से 2 कटोरी बेसन ले लेंगे, अजवाइन ले लेंगे, इस कटोरी को रख लेते हैं साइड, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, धनिया के पत्ते और 4 कटी हुई हरी मिर्च, इस तरीके से दोस्तों काट लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब बना लेते हैं। 1 खुला बर्तन ले लेंगे और उसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही साथ बेसन भी डाल देंगे। दोस्तों, अभी 1 ही कटोरी बेसन डालना है, जरूरत के अनुसार हम दूसरी कटोरी का भी बेसन डाल देंगे। हरी मिर्च डाल लेंगे, धनिया पत्ता डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। दोस्तों, आधा चम्मच अजवाइन लेके हाथों पे और क्रश करके डालना है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, प्याजों पे बेसन की बढ़िया से कोटिंग होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये गीला होता जाएगा। अगर आपके हाथों में ड्राई ड्राई सा महसूस हो तो आप बिल्कुल हल्का सा पानी डाल लीजिएगा, वैसे प्याज पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम पानी इसमें अभी नहीं डालेंगे। दोस्तों, हमें बेसन की और ज़रूरत है, तो हम जो दूसरी कटोरी है उस कटोरी का भी बेसन डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मिश्रण मुझे बहुत ड्राई सा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल लूँगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि वो भी ये पकोड़े की रेसिपी बना सके। देखिए दोस्तों, हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है और कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। हमने इसमें पानी दोबारा नहीं डाला, उसी में हमने इसको रेडी किया है। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से होना चाहिए, बेसन और प्याज परफेक्टली डलने चाहिए। अब पकौड़े बनने के लिए रेडी हैं। 1 कढ़ाई ले लेंगे दोस्तों और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। आप चाहो तो दोस्तों मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। दोस्तों, हमें तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल गर्म हो जाए उतना ही गर्म करना है और हम इसमें मिश्रण डाल देंगे। आप चाहो तो दोस्तों मिश्रण को चम्मच से डाल लीजिएगा या फिर आप हाथ से मिश्रण डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे एक खास ट्रिक अपनाने की, जिससे कि ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी डबल हो जाएगा। पकोड़ों को दूसरी साइड भी तल लेते हैं। तो पकोड़ों को पलट लेंगे दोस्तों। दोस्तों, हमें पकोड़ों को आधा ही तल के निकालना है, लाइट ब्राउन हो जाए। देखिए दोस्तों, इस तरीके का लाइट ब्राउन पकोड़े निकाल लेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से मैं सारे पकोड़े बना लेती हूँ। दोस्तों, मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं और थोड़ा रूम टेम्परेचर पे पकोड़े ठंडे कर लेंगे और तेल भी नॉर्मल होने देंगे, ज़्यादा गर्म है इस वक्त तो नॉर्मल गर्म तेल होने देंगे। दोस्तों, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और तेल भी नॉर्मल हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया था, अब गैस जला लेंगे और गैस मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे दोस्तों। और हम इस तरीके से, देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम पकोड़े दबा दबा के डालेंगे ताकि पकोड़े अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। आपको एक तरीका और बता देती हूँ दोस्तों, आप चाहो तो इस तरीके से भी तोड़ के डाल सकते हो, बट वो बेटर ऑप्शन है पहले वाला, मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे। दोस्तों, अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक तेल में तलने देंगे पकोड़ों को। पकोड़ों को पलट लेते हैं। अब दोस्तों, पकोड़े हो गए हैं, अब हम निकाल लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। इस तरीके से दोस्तों मैंने सारे पकौड़े तल लिए हैं। तो दोस्तों अब आप लीजिए इन क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ों का मज़ा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।